हेलो एवरीवन, दिस आर दीपिका सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक और टॉपिक, दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। नाउ जब भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको कितना रिप्रेजेंट करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एग्ज़ाम पर्पस, नॉट फॉर द कॉन्सेप्ट। ओके, और ये नोट्स भी मेरे नहीं है, इवन मैंने टेलीग्राम से लिए हैं, मुझे अच्छे लगे तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जिसके भी हैं, थैंक्स टू देम, थैंक यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लैक्टेशन डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क एंड इट्स सेक्रेशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड आफ्टर डिलीवरी। ओके, व्हाट इज लैक्टेशन? लैक्टेशन डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड इट्स सेक्रेशन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड आफ्टर डिलीवरी। फेज, फाइव फेजेस होते हैं लैक्टेशन के, ठीक है? इसको ऐसे याद रखो, एम फॉर मैमोजेनेसिस, सेकेंड एल ए लैक्टोजेनेसिस, ठीक है, एम एल ए, जी जी आई, जी जी इन, ठीक है, एम एल ए, जी जी इन करो। जब एम एल ए का नाम सुनते हैं तो जी जी दो बार निकलेगा और उसे इन लेंगे, ठीक है? तो एम फॉर मैमोजेनेसिस, एल फॉर लैक्टोजेनेसिस, एल ए लैक्टोजेनेसिस, उसके बाद है गैलेक्टोकाइनेसिस, उसके बाद है गैलेक्टोपोइसिस एंड फिफ्थ इज इन्वोल्यूशन। ओके, बिल्कुल शॉर्ट में है ये नोट, जितना आपको जब एग्ज़ाम के एक रात पहले क्या पढ़ना है ना आपको, बिल्कुल यही पढ़ना है, यही छाप के आना है। ओके, उस टाइप के नोट्स हैं ये। ओके, मेमोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू द फंक्शनल स्टेट। ओके, मेमोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू द फंक्शनल स्टेट। लैक्टोजेनेसिस, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट एल्वियोलाई, ठीक है? अभी तो क्या हुआ कि सबसे पहले मेमोजेनेसिस में क्या था, डेवलपमेंट तो हो गया ब्रेस्ट का इनटू द फंक्शनल स्टेट। लैक्टोजेनेसिस, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से सिक्रीट होना है। गैलेक्टोकाइनेसिस, इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट। अब हमारी एल्वियोलाई में तो आ गया, अब नाउ गैलेक्टोकाइनेसिस क्या होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट। फोर्थ इज गैलेक्टोपोइसिस, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि 24 घंटे वो लैक्टेट हो ही रहा है ब्रेस्ट से, ऐसा नहीं है, लैक्टेशन हो ही रहा है ऐसा नहीं है। कब उसको पॉइसिस, मतलब बेसिकली फॉर्मेशन होता है कि मतलब मेंटेन करके रखना है लैक्टेशन को। ओके, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हाँ कि ब्रेस्ट जो है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो प्रॉपर बन रहा है, इस चीज़ को रेगुलेट करना, ठीक है? दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए हुआ है उसके बाद बंद हो गया, फिर हुआ है फिर बंद हो गया, बेबी जब बेबी फीड करने बैठ रहा है तो मिल्क ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपको गैलेक्टोपोइसिस प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करना है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। फिफ्थ इज इन्वोल्यूशन, रिग्रेशन एंड एट्रोपी पोस्ट लैक्टेशन, ठीक है? पोस्ट लैक्टेशन में क्या होगा, रिग्रेशन एंड एट्रोपी। सो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है यहाँ पे, मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस एंड इन्वोल्यूशन, एम एल ए, जी जी एन। ओके, नाउ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन रिफ्लेक्स एंड हार्मोन। ब्रेस्ट मिल्क बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन क्या है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन रिफ्लेक्स एंड हार्मोन। अब रिफ्लेक्स किसके रिफ्लेक्स, बेबी के रिफ्लेक्स। तो सबसे पहला क्या है, सकलिंग रिफ्लेक्स, इन्फेंट्स सकलिंग सेंड इम्पल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमारे हाँ सिग्नल देता है और वहाँ से क्या होता है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इन्हांस होता है। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स मिल्क प्रोडक्शन, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ निप्पल स्टिमुलेशन बाय इन्फेंट सकलिंग एक्शन लीड टू रिलीज एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू एल्वियोलाई थ्रू ब्लड स्ट्रीम विच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, जब बेबी सकलिंग रिफ्लेक्स देखता है, अगर वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जो रिफ्लेक्स है प्रॉपर हुआ, नॉर्मल मतलब प्रॉपर है इतना कि निप्पल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन जो होगा हार्मोन सिक्रीट होगा, जो कि एंटी पिट्यूटरी पे जाएगा और वहाँ से हमारे, ठीक है, एंटी पिट्यूटरी पे जाके वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है? एंटी पिट्यूटरी पे कैसे जाएगा, वो वही ब्लड के थ्रू जाएगा एंड देन स्टिमुलेट करेगा एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ये चीज़ है। ओके, नाउ सी इज लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स इज मिल्क इजेशन रिफ्लेक्स, कि अब ठीक है कि बेबी ने सक किया मिल्क
की फॉर्मेशन को इन वो सिग्नल मिल गया कि मिल्क की प्रोडक्शन करो. अब मिल्क को बाहर भी तो आना है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेशन रिफ्लेक्स. सकलिंग एक्शन एज वेल एज साइट और साउंड ऑफ बेबी इंड्यूसेस. ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है कि बेबी रो रहा है, जब मदर के सामने कोई बेबी रो रहा है तो अपने आप ही मिल्क जो होगा वो सिक्रीट होना, मतलब लेट डाउन होना शुरू हो जाएगा कि बेबी रो रहा है, उसको अर्ज है. दैट मीन्स एक जो इमोशनल अटैचमेंट है ना मदर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस हमारी फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में. ओके, तो बेबी ये जो स्टिमुलेशन है दैट इज़ सकलिंग एक्शन एज वेल एज साइट एंड साउंड ऑफ बेबी इंड्यूसेस सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, इससे क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन है हमारा वो रिलीज होगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एंडोथीलियम अराउंड द एल्वियोलाई, जो मायो एंडोथीलियम अराउंड द एल्वियोलाई है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. मिल्क सिक्रीशन इनटू द लैक्टियल साइनस. ठीक है, लैक्टियल जो साइनस है हमारा, उसमें मिल्क सिक्रीशन होगा. लैक्टियल डक्ट के थ्रू मिल्क लेट डाउन फ्रॉम निप्पल, ये चीज़ होगी. ठीक है, तो इसी को थोड़ी इसमें बता दिया गया है कि हमारा जो ब्रेस्ट है, जो बेबी जब इंड्यूस करता है, मतलब बेबी जब रिफ्लेक्स देता है, साउंड करता है, रोता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, वो स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एंडोथेलियम सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड. उससे क्या होता है कि ठीक है, तो बेबी का जब रिफ्लेक्स आता है तो उसमें क्या होता है, हमारे इंक्रीज होता है हमारा लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, उसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एंडोथेलियल सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड लैक्टिफाइज डक्ट पे स्टिमुलेशन जाता है और मिल्क का इजेक्शन इजेशन शुरू हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से ही शॉर्ट नोट है हमारे. ठीक है, इसे आराम से आप पढ़ लो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. अगर आपको एलैबोरेटेड नोट चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आई विल सेंड द एलैबोरेटेड नोट, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग. बाई.